नूरपुर किले में स्थापित श्री कृष्ण का वृजराज स्वामी मंदिर आज खतरे की जद में है। लगभग 450 साल पुराना यह मंदिर अपने आप में विशेष है। यूं तो हर कृष्ण मंदिर में कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति होती है, लेकिन इस मंदिर में काले रंग की कृष्ण भगवान की संगमरमर की मूर्ति के साथ मीराबाई की मूर्ति विराजमान है। अष्ट धातु से निर्मित यह कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। कहते हैं जब नूरपुर के राजा जगत सिंह में अपने पुरोहितों के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर गए तो रात्रि विश्राम के दौरान राजन जगत सिंह ने रात को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने उठकर देखा तो एक औरत कृष्ण की मूर्ति के आगे गाती हुई नाच रही थी। राज पुरोहितों ने राजा जगत सिंह से उपहार स्वरूप कृष्ण की इन्हीं मूर्तियों को मांगने की बात कही। नूरपुर राजा की मांग पर चित्तौड़गढ़ के राजा ने उन्हें खुशी खुशी ये मूर्ति राजा को उपहार में दे दी। राजा ने इन मूर्तियों को नूरपुर किले में स्थापित किया, लेकिन आक्रमणकारियों के हमले के बाद किले नष्ट होने के बाद इन्हें राजा ने अपने दरबारे खास में स्थापित किया। आज इस ऐतिहासिक मंदिर के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है और दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आकर नतमस्तक होते हैं। जिला स्तरीय कृष्ण जन्माष्टमी मेले के दौरान हजारों की संख्या में लोग इस मंदिर में आते हैं, लेकिन आज ये मंदिर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। मंदिर के पीछे की दीवारें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। इन दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं जो बहुत बड़े खतरे का संकेत हैं। अगर समय रहते शासन प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो कब ये मंदिर धनाशाही हो जाए कहा नहीं जा सकता। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान हजारों लोगों के आने से मंदिर पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, इसीलिए इसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन को सजग होना पड़ेगा। वहीं इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए भी जल्द कदम उठाने होंगे। वहीं इस संदर्भ में नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने बताया कि ये मंदिर नूरपुर की बहुत बड़ी पहचान है और इसे वो किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने तुरंत प्रशासन को जो भी मंदिर को बचाने के लिए उचित प्रयास हो सकते हैं वो करने के आदेश दिए हैं। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि नूरपुर का ये ऐतिहासिक मंदिर है। नूरपुर की आस्था यही है और नूरपुर की पहचान भी यही है, और ना तो पहचान को खराब होने दिया जाएगा ना अपनी आस्था को तोड़ने दिया जाएगा। हम सरकार की तरफ से जो भी आज प्रमुख लोग साहब यहाँ हैं, तहसीलदार साहब यहाँ हैं, एसडीओ पीडब्ल्यूडी यहाँ पे हैं, ब्लॉक के अधिकारी यहाँ पे हैं, सब लोग आज का इसका हम टेक्निकल जायजा लेंगे और एक टेक्निकल कमेटी का आज ही गठन किया जाएगा, ताकि इसमें अच्छा एडवाइस लेके इसको तुरंत जो है इसका जो भी हो सके बेस्ट हो सके वो करने का प्रयास किया जाएगा।